नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप पे कोई भी बाइक है, किसी भी कंपनी की बाइक है जिसमें डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं, तो ये वीडियो होने वाली है वो डिस्क पैड के ऊपर होने वाली है। और आप पे एक नई गाड़ी है तो जरा सी बात है कि आप नई गाड़ी की जो सर्विसिंग कराते हैं तो आप एजेंसी में कराते हैं, लेकिन जैसे ही नई गाड़ी आपकी पुरानी हो जाती है 2-3 साल बाद, तो उसमें क्या है, डिस्क पैड हैं वो घिस जाते हैं। और घिसने के बाद कई कस्टमर भाई ऐसे होते हैं जो कि एजेंसी में काम कराते हैं, कई भाई ऐसे होते हैं जो कि एजेंसी में ना कराकर बाहर वाले दुकानदार होते हैं, मैकेनिक भाई होते हैं, उनसे काम कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बाहर आप काम कराते हो किसी भी दुकान पर, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है मैकेनिक भाई पर। और आपको कॉन्फिडेंस या विश्वास नहीं है तो आप कैसे पता करोगे कि ये जो भाई काम कर रहा है मेरे साथ में वो अच्छा कर रहा है या बुरा? तो दोस्तों, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो लोकल और ओरिजिनल डिस्पैच के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आप पे पुरानी बाइक है जिसके डिस्पैच घिस चुके हैं, ठीक है, और आप बाहर डिस्पैच डलवा रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैकेनिक भाई ने इसके अंदर जो डिस्पैच डाले हैं वो लोकल हैं या ओरिजिनल? ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास ये रखे हुए हैं डिस्पैच हैं, ये एसके कंपनी के हैं, ये रेड लोकल जो कि लोकल देख पा रहे हैं, मोटरसाइकिल ब्रेक पैड लिखा हुआ है। दोस्तों, ये है लोकल ब्रेक पैड हैं, ठीक है, पल्सर UG4 के हैं, UG4 लिखा हुआ है। दोस्तों, ये डिस्पैच हैं वो रियर वाले डिस्पैच हैं, मतलब पीछे वाले डिस्पैच हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। इसकी पन्नी जैसी फाड़ के दिखाता हूँ आपको, इसके जो पन्नी है वो हमने फाड़ ली है, और इसका जो डिस्पैच के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों, ये लोकल डिस्पैच हैं, आप समझ गए, इसके अंदर कोई भी कंपनी नहीं है। और ये डिस्पैच होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं, देखो इस पर स्क्रैच आ रही है, तो आपको जरा सी देख के ही पता चल गया कि ये डिस्पैच है वो लोकल डिस्पैच है। ठीक है, आप देखकर भी पता कर सकते हैं कि इसके अंदर जो मैकेनिक भाई डाल रहे हैं वो डिस्पैच कैसे डाल रहे हैं, लोकल डाल रहे हैं या फिर ओरिजिनल। दोस्तों, लोकल है ये डिस्पैच होते हैं, उसका गत्ता है वो बहुत ही जल्दी घिस जाता है, जो पैड है ये देख पा रहे हैं पैड, ये ब्लैक कलर के ये पैड है, ये बहुत ही जल्दी घिस जाता है, जिससे कारण आपके ब्रेक शू बहुत ही जल्दी घिस जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहे दूसरे जो कि CVZ के हैं गाड़ी के, ये अगले वाले ब्रेक शू हैं। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है NFN। दोस्तों, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो थोड़ा बफरिंग हो रही है, देखो NFN लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये कोडिंग दी हुई है। दोस्तों, ये भी यार लिख रहा है आपके डिस्पैच पर, तो ये डिस्पैच हैं वो भी लोकल डिस्पैच हैं। ठीक है, ये लोकल डिस्पैच हैं। ठीक है, इन्हें भी करते हैं साइट में। अब आपको दिखाते हैं ओरिजिनल डिस्पैच। जब भी आप किसी भी कंपनी के आप पे बाइक है, जैसे कि बजाज कंपनी की बाइक है तो बजाज के ही डिस्पैच डलवाएं, हीरो कंपनी की बाइक है तो हीरो के डिस्पैच डलवाएं, अन्य TVS की है तो TVS के डलवाएं, और TVS के नहीं डलवाकर अन्य कंपनियों के नहीं मिलते हैं तो ASK एक ऐसी कंपनी है जो कि ओरिजिनल डिस्पैच बनाती है, डिस्पैच भी बनाती है दोस्तों, ब्रेक शू बनाती है। ठीक है, ये डिस्क ब्रेक वाले पैड हैं, ASK कंपनी के हैं, और ये हैं होंडा साइन के। दोस्तों, ये इधर लगा हुआ है, ठीक है, इसे ओपन करते हैं पहले। दोस्तों, ये रहे होंडा साइन के न्यू मॉडल वाली के ये डिस्पैच हैं, इसके पन्नी को बाहर कर अलग करते हैं। दोस्तों, ये पन्नी से हमने डिस्पैच अलग कर लिए हैं, इस पर ये देखो गुदे टाइप में लग रहा है, गुदे हुए टाइप में लिखा हुआ है ASK। ठीक है, नीचे तरफ ये मॉडल लगी हुई है ASK की, 5/2019 में बने हुए, 5 महीना 2019 के ये डिस्पैच बने हुए हैं। दोस्तों, ये इसका ये लेदर देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन लेदर है, ये लेदर है वो ठोस लेदर है, ये जल्दी घिसता नहीं है, और लोकल लेदर होता है वो जल्दी घिस जाता है। देखो, ये रहा लोकल लेदर, देखो ये रहा लोकल। दोस्तों, इसे जल्दी देख हाथ से मैं खुरच रहा हूँ तो ये जल्दी खुरच रहा है, और जो कोई ओरिजिनल डिस्पैच था वो खुरच नहीं रहा था। ठीक है, मतलब लोकल डिस्पैच जल्दी घिस जाते हैं, ओरिजिनल डिस्पैच है वो जल्दी नहीं घिसती है। ठीक हो, ASK कंपनी के बहुत ही अच्छे डिस्पैच हैं। दोस्तों, ये रहे दूसरे डिस्पैच जो कि पल्सर 220cc के हैं, ASK कंपनी के हैं, इसे ओपन करते हैं अभी डिस्पैचों को। दोस्तों, ये रहे, ये जो डिस्पैच हैं वो पीछे के डिस्पैच हैं, रियर डिस्पैच हैं ASK कंपनी के, इसे भी आपको ओपन करके दिखाते हैं। देखो, ये हमने कर लिए पन्नी से बाहर, ठीक है, इस पर भी देखो गुदे टाप में ASK लिखा हुआ है, मतलब ASK कंपनी है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छी एक इसी के डिस्पैच चलते हैं। ठीक है, और देखो ये रहा लोकल डिस्पैच, देखो आप समझ ही गए हैं, लोकल पर कोई भी कोडिंग नहीं है। ठीक है, और लोकल पर भी NFN लिखा होता है तो समझ लो लोकल है, ASK कंपनी को ओरिजिनल है। दोस्तों, ओरिजिनल जो ब्रेक शू होते हैं ES को छोड़कर अन्य, तो उस पर पार्ट नंबर डला होता है कंपनी का। ठीक है,
ये जो ब्रेक शू हैं बहुत ही अच्छे चलते हैं, और मेरी आशा है कि आप समझ गए होंगे जो कि मैंने समझाया है लोकल और ओरिजिनल डिस्क ब्रेकों की पहचान कैसे कर सकते हैं। इससे आप पता भी लगा सकते हैं कि ये मैकेनिक भाई मेरे साथ में गलत कर रहा है या फिर सही कर रहा है। ठीक है, लोकल डाल रहा है तो आप उस पर ब्रेक शू ना डलवाएं। दोस्तों लोकल ब्रेक शू वो डालते हैं तो मैकेनिक भाई 100-120 रुपए का डालते हैं, और ओरिजिनल डालते हैं वो ESK कंपनी का डलवाते हैं वो तो 170 और 180 रुपए का डलते हैं। बाइक दबे हो सकता है कि 200 से ऊपर हो, वो गाड़ी भाई के हिसाब से अलग अलग रेट होती है। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल का हर एक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।